गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 10 बरगद की गवाही, विटनेस ऑफ द बनियान ट्री, ये एक स्टोरी है। हम पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या बोला गया है। राधे और वीरू घनिष्ठ मित्र थे, यानी कि पक्के दोस्त, यानी कि क्लोज फ्रेंड्स। दोनों साथ साथ रहते थे और साथ साथ काम करते थे। राधे सरल स्वभाव वाला और बहुत ईमानदार था, वीरू चालाक और बेईमान था। दोनों क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन दोनों में ये अंतर था कि जो राधे था वो बहुत ही सीधा और ईमानदार था, लेकिन जो वीरू था वो बेईमान और चालाक था। एक दिन राधे और वीरू अपने काम पर जा रहे थे। रास्ते में वीरू ने राधे से कहा, दोस्त मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है, तुम्हारे पास हो तो दे दो। राधे ने मित्र की सहायता करना अपना धर्म समझा और एक बरगद के पेड़ के नीचे रुककर वीरू को 100 रुपये दे दिए। एक दिन दोनों मित्र काम पर जा रहे थे, तभी रास्ते में वीरू ने राधे से बोला कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है तो मुझे दे दो। फिर राधे ने वीरू को 100 रुपये दे दिए। एक वर्ष बीत गया, यानी कि 1 ईयर बीत जाने के आफ्टर 1 ईयर पैसे को दिए हुए 1 साल बीत चुके थे, लेकिन किंतु वीरू ने राधे के रुपये नहीं लौटाए। जब राधे ने उससे अपने रुपये मांगे तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। तंग आकर राधे ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने राधे और वीरू दोनों को न्यायालय में उपस्थित होने का हुक्म दिया। निश्चित तिथि को दोनों न्यायालय में उपस्थित हुए। 1 साल हो जाने के बाद भी वीरू ने राधे को पैसा नहीं लौटाया। जब राधे वीरू से पैसा मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि तुमने मुझे नहीं दिया है। बहुत सोचने के बाद राधे ने कोर्ट से अपनी बात बताई और वहाँ न्याय, मतलब वहाँ से अपने आप को न्याय दिलाने की कोशिश की। फिर कोर्ट ने दोनों को आने का हुक्म दिया कि आदेश दिया, हुक्म देना मतलब आदेश दिया कि दोनों को कोर्ट में बुलाया जाए। न्यायाधीश ने वीरू से पूछा, यानी कि कोर्ट में जो जज थे उन्होंने पूछा, क्या तुम राधे से 100 रुपये उधार लिए थे? वीरू, बिल्कुल नहीं हुजूर, यह झूठ बोलता है, मैंने 1 रुपया भी उधार नहीं लिया। जब जज ने पूछा, वीरू तुमने राधे से 100 रुपये लिए थे, तो वीरू ने क्या बोला, नहीं यह झूठा है, मैंने कोई भी रुपया नहीं लिया इससे, उल्टे इसने मुझसे 10 रुपये उधार लिए और आज तक नहीं लौटाया। देखिए, वीरू ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया राधे के ऊपर कि मैंने उससे 1 रुपया भी नहीं लिया, इसने ही मेरा 10 रुपया उधार लिया है जो अभी तक मुझे चुकाया नहीं है। न्यायाधीश, राधे तुम कहते हो इसने तुमसे 100 रुपये उधार लिए और यह कहता है नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? राधे, नहीं हुजूर, हम दोनों मित्र थे, इसलिए मैंने इस पर विश्वास करके बिना किसी गवाही लिए इसे 1 रुपया उधार दे दिए। तब जज ने राधे से बोला कि तुम बोलते हो कि इसने पैसा लिया है, वीरू ने पैसा लिया, लेकिन वीरू बोल रहा है कि मैंने कोई भी पैसा नहीं लिया है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि, या कोई विटनेस है जो यह बोल सके कि तुमने इसे 100 रुपया दिया है? तब राधे ने बताया कि हम दोनों मित्र हैं, मैंने इसके ऊपर विश्वास करके इसे 100 रुपया दिया और मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा, इसलिए मैंने किसी भी गवाही को नहीं रखा है। राधे, हुजूर हम दोनों काम पर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर मैंने इसे 100 रुपये उधार दिए। न्यायाधीश, अच्छा तो उस बरगद के पेड़ के
उपस्थिति करो, को यहाँ उपस्थित करो, वह सब कुछ सच सच बताएगा। अब जज ने क्या बोला, राधे ने बोला कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे और एक बरगद के पेड़ के पास मैंने इसे 100 रुपया दिया। इसके जब इसने मुझे पैसा मांगा, वहाँ सिर्फ एक बरगद का पेड़ था जहाँ मैंने खड़े होकर उसे 100 रुपये दिए। तभी जज ने क्या बोला, अच्छा ठीक है, वो विटनेस है, उसे लेकर के यहाँ पर आओ। राधे ने बोला, हुजूर पेड़ कैसे बोल सकता है, वह तो चल भी नहीं सकता। न्यायाधीश, राधे तुम उसे बुलाकर लाओ, वह चलेगा और बोलेगा भी। न्यायाधीश के आदेश का पालन करने के लिए राधे ने बरगद के पेड़ को बुलाने चला गया और वीरू वहीं बैठा रहा। काफ़ी समय बाद राधे वापस नहीं आया तो न्यायाधीश ने वीरू से पूछा, अभी तक राधे वापस नहीं आया, क्या बरगद का पेड़ बहुत दूर है? वीरू, हाँ श्रीमान, बरगद का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है, उसे आने में भी समय लगेगा। जब जज की बात सुनकर राधे चला गया बरगद के पेड़ को लाने के लिए, बहुत देर हो गया, जब वो वापस नहीं आया तब जज ने वीरू से पूछा कि क्या बात है, अभी तक राधे वापस नहीं आया है, क्या वह पेड़ बहुत दूर है? तब वीरू ने कहा, हाँ वह पेड़ बहुत दूर है। कुछ देर बाद राधे हाँफते हाँफते न्यायालय में आया और बोला, हुजूर मैंने पेड़ को बहुत समझाया कि आपके आदेश अनुसार न्यायालय चले, लेकिन वह नहीं आया और ना ही उसने कोई जवाब दिया। अधीश ने कहा, कोई बात नहीं राधे, पेड़ की आत्मा ने मुझे कुछ देर पहले ही यहाँ उपस्थित होकर सब अपनी गवाही दे दी। जब थोड़ी देर हो गई तब राधे मतलब दौड़ता भागता आया थका हुआ, फिर उसने बोला कि जज साहब वो पेड़ तो आ ही नहीं रहा है और मैंने उसे बहुत आग्रह किया, बहुत अनुरोध किया कि कुछ बोलो और चलो गवाही देने के लिए कोर्ट, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुना और उसने कुछ जवाब भी नहीं मुझे दिया। फिर जज ने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले ही वो आकर यहाँ उपस्थित होकर उसने अपनी गवाही दे दी है। फिर न्यायाधीश ने वीरू से कहा, वीरू अभी अभी तुमने मुझसे कुछ बताया था कि बरगद का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है, इसका मतलब है कि तुम उस पेड़ को जानते हो जिसके नीचे खड़े होकर तुमने राधे से रुपये लिए थे। अब वीरू कुछ नहीं बोल सका। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया और वीरू राधे को तुरंत पैसा लौटा दे, ऐसा ना करने पर उसने 1 वर्ष कैद की सज़ा दी जाएगी। फिर जज ने क्या बोला वीरू से कि वीरू अभी तुमने मुझसे कुछ बोला कि यहाँ से पेड़ बहुत दूर है, तुम्हें पता है कि वह पेड़ बहुत दूर है, वो तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि तुमने सच में उस पेड़ के नीचे खड़े होकर राधे से 100 रुपये लिए थे और यह मैं आदेश देता हूँ कि तुम उसे 100 रुपये लौटाओ। अगर तुमने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हें 1 साल की सज़ा दी जाएगी। ऐसा बोलकर कोर्ट ने वीरू को आदेश दिया और वीरू ने राधे को 100 रुपये लौटा दिए। इसलिए इस कहानी का नाम बरगद की गवाही कही गई है।